हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। तब मुझे कुछ कमेंट्स आई थी कि आप कार मैकेनिक के ऊपर या तो फिर मेकाट्रॉनिक्स के ऊपर या तो फिर कार रिपेयरिंग का जो है तो उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, तो आज का वीडियो मैं उसके ऊपर ही बनाऊंगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जर्मनी जो है वो कार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। हम सब जानते हैं कि जो सबसे फेमस जो गाड़ियां जो चलती है वर्ल्ड में, BMW, ऑडी या तो फिर मर्सिडीज और वॉक्सवैगन, तो ये सारी जो गाड़ियां है वो जर्मन में जो है, यहाँ पे जो है वो कार का बहुत ही बड़ा कल्चर है। जर्मनी जो है वो एक्सपोर्ट में भी कार की वजह से ही सबसे आगे है। जितनी कार ज्यादा होगी उतना ही उसका कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म और रिपेयरिंग और वो सारी चीजें भी उतनी ही रेगुलरली आती है, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे फैक्ट्री होगी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और डिजाइनिंग और वो सारी चीजें करती है। तो ये जो ब्रांच जो है वो काफी डिमांडिंग ब्रांच है, काफी सारे फॉरेनर इंजीनियरिंग का भी स्टडी करने आते हैं और इसका हाउस बिल्डिंग भी करने आते हैं। तो ये हाउस बिल्डिंग में आप सीखते क्या हो, जैसे कार जो होती है वो सिर्फ इंजिन और बाकी सारी स्ट्रक्चर जो होता ही है, पर उसके अंदर जो कंप्यूटराइज सिस्टम जो होती है तो वो सारी चीजें भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है कार में। ये हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको सिखाया जाता है। सारा जो प्रोडक्शन जनरली होता है वो रोबोटिक होता है फैक्ट्रीज के अंदर, उनके अंदर भी वो मशीन कैसे चलाना है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे पार्ट्स जो है उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, छोटे से छोटे पार्ट से लेके बड़े से बड़े पार्ट तक ये कहाँ पे लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें जो है प्रोडक्शन वो मशीन में कोई अगर डैमेज आए तो उसको कैसे रिपेयर करना है, कार के पूरे स्ट्रक्चर और पूरे स्पेयर पार्ट्स जो है वो सारे सिखाए जाते हैं। उसमें कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आए तो कैसे उनको रिपेयर करना है, कैसे सर्विसिंग करना है, कैसे ध्यान रखना है। तो जो कार एंथुजियास्ट लोग है जिनको कार्स में बहुत इंटरेस्ट है उनको ये हाउस बिल्डिंग बहुत ही पसंद आ सकता है। इसमें आप कार के बारे में सब कुछ सीख जाते हो कि कैसे सब कुछ करना है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। अगेन ये हाउस बिल्डिंग डुअल हाउस बिल्डिंग है, तो आपका थियरी प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन होता है। थियरी में ये सारी चीजें सीखते हो आप और प्रैक्टिकल के अंदर जो है आप कंपनी में जहाँ पे आपको जॉब मिली हो या तो फिर आपको कोई वर्क स्टेशन पे या तो फिर आपको कोई मैकेनिक है या जहाँ पे भी आपको हाउस बिल्डिंग मिला है तो वहाँ पे आप जाके वो सारी चीजें सीखते हो प्रैक्टिकली कि कैसे वो लोग सारी चीजें मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जर्मनी में जो है वो कोई भी कार हो, अगर नई कार हो तो 3 साल में और अगर पुरानी कार हो तो हर 2 साल में यहाँ पे चेकअप करवाना होता है। रोड वर्दीनेस इसकी दिखानी पड़ती है कि वो गाड़ी चलाने लायक है कि नहीं, अगर वो सारे टेस्ट में से अप्रूव होती है तो ही गाड़ी हम लोग रोड पे चला सकते हो। अपने जैसा नहीं है कि 50 साल पुरानी कार हो फिर भी आप कहीं भी कैसे भी लेके जाओ, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल रहता है, तो वो सब चीज़ें भी जो है आपको सिखाई जाती है कि वो टूफ बोलते हैं उसको, तो वो कैसे किया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे सीख जाते हो पूरा। अभी बात करते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अंदर जो लैंग्वेज लेवल जो है आपका B2 चाहिए। क्यों B2 चाहिए, क्योंकि ये जो सब आप पढ़ाई करते हो पूरा जर्मन में करते हो और ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही टेक्निकल होती है, तो उसके अंदर जो है आपको लैंग्वेज का कमांड जो है वो बहुत ही अच्छा चाहिए समझने के लिए और सब कुछ करने के लिए। तो B2 रिक्वायरमेंट है, B1 से काम नहीं चलेगा। 12वीं पास करना होना जरूरी होना चाहिए अच्छे परसेंटेज के साथ, 60% की जनरली रिक्वायरमेंट ये लोग रखते हैं। तो अगर आपने कोई बैचलर किया हुआ है तो अच्छी बात है। आपका अगर इस ब्रांच में कोई एक्सपीरियंस है जैसे कि कार पे प्रोडक्शन या तो फिर आपने कहीं पे मैकेनिक की तरह काम किया हुआ है या तो फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वो सब अगर है तो चांसेस बढ़ सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें पोजीशन मिलना, इतना आसान नहीं है जैसे कि गास्ट्रोनॉमी और वो सारी जो में जितना आसानी से मिल जाता है, इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे हाउस बिल्डिंग मिलना, क्योंकि ये थोड़ा स्मार्टनेस वाला काम है और बहुत ही पर्टिकुलर काम है। प्रोफाइल थोड़ी अच्छी चाहिए, डुएबल है बट थोड़ा टफ है। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कैसे मिलती है। जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपका हाउस बिल्डिंग का जो स्टार्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 950 या 1000 यूरो से शुरू होता है, वो 1200 यूरो तक जाता है। और जैसे ही आपका हाउस बिल्डिंग खत्म होता है तो आपकी जॉब जो है वो 2800 यूरो से शुरू होती है, तो उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 270,000 के आसपास आप हर महीने स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। उसके बाद जो है जैसे जैसे आप काम सीखने जाते हो उसके अंदर भी आप अगर स्पेशलिटी करते हो कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स की प्रोडक्शन के रिलेटेड या फिर डिजाइन में ऐसा कुछ अगर आपने स्पेशलिश अगर आपने कुछ किया हो उसके रिलेटेड आपका अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती है। बड़ी बड़ी कंपनी में भी काम करना मिलता है आपको, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। फ्यूचर में अगर आपको अपना जैसे कार डीलरशिप खोलनी हो या तो फिर आपको
अपनी कार मैकेनिक शॉप खोलनी हो तो उसमें तो फिर मान लो आप बहुत सारी कमाई होती है, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, तो ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा है। ओनली थिंग आप बहुत ही अच्छी तरह कार एंथुजियास्ट होने चाहिए, आपको काफ़ी चीज़ें मैकेनिक के रिलेटेड पता होनी चाहिए, आप थोड़े स्मार्ट होने चाहिए, मशीन और वो सबको हैंडलिंग और वो सब का नॉलेज भी हो तो अच्छा है। अगर आपको भी ये पोजीशन चाहिए तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टिल देन हैव अ नाइस डे। Thank you.